आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेई मेंस के 26 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या करा है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स फोर एक्स माइनस टाइम्स फोर इक्वल टू जीरो इन द अपर हाफ प्लेन। सबसे पहले अपन के पास क्या कहते हैं पहला कर्व जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो के बराबर। दूसरा जो कर्व है वो आपने किसके बराबर दे रखा है तो ये दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स फोर एक्स और माइनस टाइम्स फोर इक्वल टू जीरो के बराबर। एंड तीसरा जो कर्व है वो आपने किसके बराबर दे रखा है तो ये दे रखा है आपने वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स फोर एक्स और माइनस टाइम्स फोर इक्वल टू जीरो। अगर आप गौर से देखते हो तो इन सारे कर्व को क्या कीजिए स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ रखिए बाद में सारे को उधर भेज दीजिए। तो यहां से अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर कह सकते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस टाइम्स टू वाई प्लस टाइम्स वन के बराबर। बराबर यहां से आपने के पास वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर कह सकते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं यहां से आपने के पास माइनस टाइम्स फोर एक्स और प्लस टाइम्स फोर के बराबर। बराबर और यहां से आपने के पास जेड ये वाई स्क्वायर ही हो जाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे अपने के पास फोर एक्स और प्लस टाइम्स फोर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए सारे का वर्टेक्स लिख लीजिए। इसका वर्टेक्स भी वन मानते हैं तो भी वन बताएं इसका वर्टेक्स आपने क्या किसके बराबर मान लिया भी वन के बराबर तो भी वन आपने क्या किसके आ जाएगा वर्टेक्स आ जाएगा अपने क्या जीरो कॉमा इसको जीरो कीजिएगा तो ये आ गया अपने क्या जीरो कॉमा इसको जीरो कीजिए तो आपने क्या आ जाएंगे वन बाई टू के बराबर। इसका वर्टेक्स ये हो जाएंगे इसका वर्टेक्स बताएं ब्लैक वाले का वर्टेक्स आपने क्या भी टू मान लेते हैं तो भी टू आपने क्या किसके बराबर आ जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है तो आपने क्या ये जीरो कॉमा माइनस वन के बराबर आई थिंक होंगे किसके बराबर हो जाएंगे अपने क्या देख लीजिए तो माइनस वन तो ये वन के बराबर हो जाएंगे। बराबर इसको जीरो कर दीजिए तो वाई एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जीरो के बराबर। इसका वर्टेक्स बताएं तो यह आ गया अपने के पास भी थ्री इसका वर्टेक्स भी थ्री मानते हैं तो यह आ गया अपने के पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट अपने क्या किस पर आ जाएंगे तो ये माइनस वन के बराबर हो जाएंगे ये अपने के पास वर्टेक्स आ गए। बराबर कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए पैराबोला बना लीजिए एक एक करके ठीक है। एक चीज और लिख सकते हैं क्या तो यहां से अपने के पास x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बताइए ठीक है। ये अपने के पास x इक्वल टू जीरो तो वर्टेक्स मतलब अपने के पास ये y कोऑर्डिनेट पे कट किया ये अपने के पास किस कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है तो ये y कोऑर्डिनेट पे ये x कोऑर्डिनेट पे ये भी अपने के पास x कोऑर्डिनेट पे। यहां से अगर अपने के पास x इक्वल टू जीरो डालते हैं तो y इक्वल टू ये आ गया y इक्वल टू जीरो डालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास प्लस माइनस वन के बराबर। हाँ या ना यहां से अगर y इक्वल टू जीरो डालें तो x इक्वल टू आ जाएंगे प्लस माइनस वन के बराबर। यहां से y इक्वल टू जीरो डालेंगे x इक्वल टू जीरो डालें तो y इक्वल टू अपने किस पर आ जाएंगे प्लस माइनस दो के बराबर। यहां से भी x इक्वल टू जीरो डालेंगे तो y इक्वल टू आ जाएंगे अपने किस प्लस माइनस दो के बराबर। ये तो कंफर्म है कि ये y एक्सिस पे ये प्लस माइनस दो जगह कट करेगा ठीक है ये वाले। तो यहां पे आपने किस क्या कीजिए ग्राफ बना लीजिए ये सब आइडिया देगा कि आपने किस ग्राफ कहां पर कट करेगा कैसे कट करेगा। तो ये रहा अपने के पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास x एक्सिस। बराबर कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं नीचे। सबसे पहले अपने ये वाला ग्राफ बना लेते जो कि अपने जीरो कॉमा वन बाई टू है और ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हाफ वाला यानी ये जो कर्व होगा वो अपने डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कौन से पैराबोला बनेंगे अपने डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इसमें हमारे सबसे किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब जब ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो एक्स को प्लस माइनस वन बाई प्लस माइनस हाफ पे कट करेगा यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे वो अपने के पास किस पर आ जाएंगे माइनस वन कॉमा जीरो के बराबर और ये अपने के पास किस पर आ जाएंगे तो वन कॉमा जीरो के बराबर। कोई दिक्कत कोई कुछ देख पा रहे हैं अपने के पास देखिए वन कॉमा जीरो इसका वर्टेक्स है यानी ये जो अपने के पास दूसरा वाला जो पैराबोला बनेगा वो अपने के पास वन कॉमा जीरो इससे होकर के पास होगा। ये जो दूसरा पैराबोला बनेगा वो अपने के पास किससे पास होगा तो इससे होकर के पास होगा। ये अपने के पास कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा लेकिन अपने के पास इसको थोड़ा सा अच्छा से छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि अपने के पास ये कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा क्योंकि अपने के पास पैराबोला बनाने भी तो ये भी तो करना है अपने के पास एरिया बाउंडेड रीजन भी बनाने और अपने के पास जो दूसरा पैराबोला बनेगा ये अपने के पास कौन सा पैराबोला बना रहे तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स जिसका वर्टेक्स माइनस वन कॉमा जीरो है। तो ये जो वर्टेक्स ये जो पैराबोला बनेगा वो अपने के पास कुछ इस तरीके का बनेगा। बराबर और दूसरा जो पैराबोला बनेगा वो अपने के पास कुछ इस तरीके का बनेगा देख लीजिए अपने के पास ये यहां से होकर पास करेगा ये दोनों एक ही जगह से होकर के पास कर जाएगा। कोई दिक्कत इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बराबर अब देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बताएं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अब इसी से बात है कि जीरो कॉमा वन ये हो जाएंगे और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे
जीरो कॉमा माइनस वन के बराबर। अब अपने के पास क्या करा, अपर हाफ, अपर हाफ में जो प्लेन में अपने जो बाउंड्री रीजन उस रीजन का एरिया निकालना है, तो अपने अपर हाफ में जो रीजन है ना वो अपने ये वाले रीजन का एरिया निकालने बोल रहा है। ये वाले रीजन का एरिया बताएं कैसे आएंगे, जैसे निकाला जाता है वैसे आ जाएंगे। तो ये रीजन का एरिया अपने के पास निकालना है, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हो तो सिमेट्री बन रहा है, इसको ए मानते हैं तो ये भी अपने के पास ए हो जाएंगे। तो जीरो से लेकर के वन तक ये जीरो कमा जीरो है, जीरो से लेकर के वन तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देते हैं। तो बताएं यहां से अपने के पास ए जो आ जाएंगे उसको फाइनली दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जीरो से लेकर के वन तक अपर कर्व, वेर इज अपर कर्व, अपर कर्व ये वाला है। तो ये अपने के पास ये वाली जो कर्व है वो अपने के पास किसके बराबर है, जिसका वर्टेक्स वन कॉमा जीरो, ये वाले जो कर्व है ना वो अपने के पास वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स फोर एक्स प्लस टाइम्स फोर के बराबर। यहाँ पे अपने पास वाई को अकेला करना है, तो वाई इक्वल टू आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस फोर एक्स के बराबर, बराबर। और ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व तो ऐसे भी अपने के पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से एक्स को वाई को अकेला कीजिए, वाई को अकेला कीजिएगा तो ये अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे बताएं, तो एक्स स्क्वायर ये आ गया अपने के पास इधर जाएंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास वाई इक्वल टू आ जाएंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर, ये हो जाएंगे। देख लीजिए एक बार, वाई को अकेला करना है तो एक्स ये इधर जाएगा तो टू वाई, ये आ गया वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक मिलनी चाहिए। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व अपने के पास क्या है तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस फोर एक्स के बराबर, बराबर। और माइनस टाइम्स लोअर कर्व है अपने के पास वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर, और इनटू आ गया अपने के पास डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सब यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन तो अपने के पास काफी ज्यादा आसान। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो यहाँ से अपने के पास ये एक लीनियर फंक्शन है अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, ये आ गया अपने के पास फोर माइनस फोर एक्स की पावर में आ गया अपने के पास थ्री बाई टू। और जब ये थ्री बाई टू आया, थ्री बाई टू क्यों आया, क्योंकि अपने के पास स्क्वायर ये फोर माइनस फोर एक्स की पावर में हाफ है, तो अपने के पास एट हो जाएंगे। और यहाँ से अपने के पास थ्री बाई टू, लेकिन अपने के पास माइनस फोर लिखना ना भूलें, क्योंकि एक्स का कोफिशियंट तो आएंगे ना। और माइनस टाइम्स ये बेसिक इंटीग्रेशन वन बाई टू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया एक्स क्यू अपॉन में अपने के पास ये टू तो यहाँ पर ऑलरेडी है, और इसका थ्री अपने के पास नीचे आ जाएगा तो ये आ गया सिक्स के बराबर। लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल दीजिए, लोअर लिमिट जीरो के बराबर, अपर लिमिट वन के बराबर। अब सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने के पास किसके बराबर जाएंगे बताएं, तो वन डालेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो गया, वन डाले तो ये जीरो, तो ये आ गया अपने के पास माइनस वन बाई टू प्लस टाइम्स वन बाई सिक्स के बराबर। अपर लिमिट डालने के बाद ये आया माइनस टाइम्स लोअर लिमिट, जैसे ही डालेंगे ये अपने के पास ऊपर वाला क्या आ जाए, ये पूरा तो जीरो हो जाएंगे लोअर लिमिट डालने के बाद। इसमें अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाय फोर की पावर में आ गया थ्री बाई टू, डैट मीन्स एट के बराबर होता है, फोर की पावर थ्री बाई टू एट के बराबर, और अपॉन में आ गया अपने के पास माइनस फोर के बराबर, बराबर। तो ये आ गया चार दूनी आठ के बराबर, बराबर ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया माइनस वन बाई टू प्लस टाइम्स वन बाई सिक्स, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास फोर बाई थ्री के बराबर, ये हो जाएंगे। देख लीजिए दो दूनी चार, और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा। एलसीएम ले लीजिए, अब एलसीएम अपने के पास सिक्स के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा दो तिया छः के बराबर, तो माइनस टाइम्स थ्री, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास वन के बराबर, और तीन दूनी छः चार दूनी आठ, आठ एक नौ, नौ में से छः जाएगा तो अपने के पास तीन जाएगा तो छः बजेगा, तो सिक्स अपॉन सिक्स डैट मीन्स वन के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास जो ये ए माने वो अपने के पास वन के बराबर, लेकिन अपने के पास फाइनल जो आंसर है वो अपने के पास टू ए के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर एफ एन एफ ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, टू ए के बराबर। यहाँ से टू से मल्टीप्लाई कीजिए तो टू मल्टीप्लाइड बाय वन डैट मीन्स किसके बराबर जाएंगे, टू के बराबर। तो फुल एंड फाइनल आंसर जो आ जाएंगे वो अपने गैस किसके बराबर, टू के बराबर। अब देखिए टू अपने गैस कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, तो अपने गैस टू यहाँ पर इंटीजर टाइप के क्वेश्चन होंगे तो इसमें फेल हो जाएंगे। तो ये थे आपने के जे मेन्स के 22 जुलाई 2021 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।